सबसे पहले दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार से बातचीत के बाद खिलाड़ियों की ओर से ऐलान कर दिया गया है जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। ब्रजभूषण चरण सिंह का इस्तीफा लिया जाए, इस्तीफा लेकर उन्हें जेल भी भेजा जाए, केवल इस्तीफा लेना काफी नहीं है बल्कि उनको कानूनन ही सजा मिले। सरकार और सुप्रीम कोर्ट से खिलाड़ियों की अपील है कि सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे, इंसाफ जब तक नहीं मिलता लड़ाई जारी रहेगी। कल हम FIR दर्ज करवाएंगे। 22 जनवरी को कुश्ती संघ की आपात बैठक भी बुलाई गई है। आपको ये भी बता दें कि ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा दे सकते हैं अपने पद से, सूत्रों के हवाले से जानकारी साथ साथ हम आपको दे रहे हैं। इससे पहले खिलाड़ियों ने जो प्रेस वार्ता की वो भी हमने आपको सीधा सुनवाया दिल्ली से, जंतर मंतर से। गंभीर आरोप लग रहे और गंभीर आरोप ब्रजभूषण चरण सिंह पर भी, चीफ कोच पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। WFI के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ साथ जो अधिकारी हैं उन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। WFI को भंग कर दिया जाए ये मांग खिलाड़ी एक सुर में कर रहे हैं। तो हरियाणा के स्टार पहलवान जंतर मंतर पर धरना देने को मजबूर हैं। कहा गया आगे कि हम मजबूर होकर आए हैं और ये देश के लिए एक काला अध्याय है। ये काले दिन है जब देश की महिला खिलाड़ियों को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने साथ हो रही नाइंसाफी के लिए इस तरह से धरना देना पड़ेगा। हालांकि ज्यादातर पार्टियों का साथ ही नहीं मिल रहा है, ज्यादातर राजनीतिक दल खिलाड़ियों के साथ आ गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज दूसरा दिन है पहलवानों के जंतर बंतर पर दंगल का। ये दंगल WFI के खिलाफ हो रहा है, कुश्ती महासंघ के खिलाफ हो रहा है, कुश्ती महासंघ के प्रेसिडेंट के खिलाफ हो रहा है। यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं, नाइंसाफी के आरोप लगाए गए हैं। विनेश फोगाट की ओर से तो ये भी कहा गया कि WFI ने देश के कई राज्यों की महिला खिलाड़ियों का करियर भी खत्म कर दिया है, जिसमें UP महाराष्ट्र समेत कई राज्यों का जिक्र करती हुई नजर आई। बजरंग पुनिया कहते हैं कि कई महिला खिलाड़ी हैं जो साक्ष्यों के साथ सामने आने को तैयार हैं, जिनके पास WFI अध्यक्ष के खिलाफ सबूत हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जंतर मंतर पर पहलवानों का दंगल जारी है ये आंदोलन। ब्रजभूषण चरण सिंह WFI के अधिकारी चीफ कोच के खिलाफ हो रहा है, इस्तीफा देंगे ब्रजभूषण शरण सिंह। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि आपात बैठक बुलाई गई है WFI की, ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं, जो कि आरोप लगने के बाद अमूमन कहा ही जाता है कि वो पूरी तरह से बेगुनाह हैं, उन पर लगाए जाने वाले तमाम आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। आरोपों को खारिज किया गया है, अगर आरोप सही पाए जाते हैं, सच साबित होते हैं तो उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए, वो तैयार फेंके। तो पहले दिन की तस्वीर आप देखिए, पहले दिन आंदोलन जब शुरू किया गया तो पूरा देश हैरान था इस बात से कि अखाड़े में दंगल करने वाले, संघर्ष करने वाले, खून पसीना बहाने वाले पहलवान आज राजधानी में धरना क्यों दे रखे हैं। और जब खुलकर मीडिया के सामने बात कही गई तो ये आरोप भी वाकई बेहद गंभीर थे। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो बोला गया, WFI के खिलाफ जो बोला गया, अब दूसरे दिन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक के बाद खिलाड़ियों की ओर से प्रेस वार्ता भी की गई, क्या कुछ कहा गया, क्या है आरोप, सुनवाते हैं आपको। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम सब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जितने भी हम पहलवान थे, और ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है, हम पहलवानों की लड़ाई है, हम पहलवानों के भविष्य की लड़ाई है, ये पहलवानों के वर्तमान की लड़ाई है, और हम चाहते हैं कि आप सब लोग इसमें भागीदार हो, और आप की ताकत हमारी ताकत है, आपके साथ आपके सहयोग के हमें जरूरत है, तो आप सब लोग प्लीज कृपया करके आइए जंतर मंतर पे और हमारा साथ दीजिए और कुश्ती को बचाने में हमारा एक अहम योगदान दीजिए, धन्यवाद। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा, जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगी कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। लेकिन हम वही फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। ये कुश्ती की लड़कियां नहीं है सिर्फ, ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं, और हिंदुस्तान में बेटियों को माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाता है, हम पूजा करते हैं, उसी वंशज का हम एक हिस्सा है जो हम आप सब के बीच में बैठी हैं। आप सब लोग हमारा साथ देने के लिए आए हो, इतनी दूर से आप लोग आए हो, कुश्ती के हक के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात रही, अगर आज शाम तक हम, अभी तो टाइम बाकी है, रात होने में टाइम बाकी है, हम वेट ही कर रहे हैं कि कुछ संतुष्टपूर्ण जवाब आए, हमारे पास में कुछ
आप लोगों में सही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे, बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे, अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को बंद किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को बंद करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ है, जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। तो हम चाहते हैं, हम इस्तीफा नहीं चाहते, हम फेडरेशन को बंद करना चाहते हैं। हम, हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से। रही दूसरी बात, हम लीगल तरीके से भी हम जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें एक विश्वास था कि देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमें उस लाइन में नहीं लेके देना चाहेंगे। हम उनके सामने जाके वो प्रूफ विद लड़कियां हम लेके जाते, और कोई लड़की भी सामने नहीं आती, किसी की लाइफ को भी डेंजर नहीं होता, किसी की फैमिली को भी कोई नुकसान पहुंचाने की कल को हानि नहीं होती। हम ये खतरनाक कदम उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर सॉल्यूशन जल्दी नहीं निकला, आज वैसे हम बता रहे हैं कि आज की हम वेट कर रहे हैं, रात होने तक वेट करते हैं कि कोई संतुष्टपूर्ण जवाब आए। इतना अगर देश का, हिंदुस्तान के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर वो बोल रहे हैं कुछ हुआ है, तो उस बात में आप संकोच मत कीजिए और ना उस पर संदेह कीजिए। हम नहीं संदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ, और बहुत गलत हुआ है, लड़कियों के साथ गलत हुआ है। और मैं आंखों में आंखें डाल के, आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए, अगर वो दो मिनट मेरे सामने बैठ जाएं, तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूं, उनको मेरे सामने दो मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने के कगार पे हो जाएगा। हम उस दौर पे जाना नहीं चाहते, हम उस जगह पे जाना नहीं चाहते जो, क्योंकि हमें अगर यही से दौर पे जाना था तो हम अध्यक्ष जी को अध्यक्ष जी बने ही रहने देना चाहते थे, क्योंकि वो सब कर ही रहे थे। हमारा कैरियर तो वो खत्म कर ही रहे थे, हर लड़की का कैरियर खत्म कर रहे थे। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली, ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है, कोई रीजन नहीं है। यूपी की आज महिला की रेसलिंग जो खत्म हो गई है, अब वो पीछे पड़े हैं महाराष्ट्र की लड़कियों के। आज मेरे पास केरला से भी फोन आए हैं, लड़कियां खुश हैं कि मैंने आवाज उठाई है, वो मुझे बधाई दे रही हैं कि दीदी पीछे मत हटना, हम आप सबके साथ खड़े हैं, इसी हौसले के साथ अब लगे रहना। आप सोचिए कि जहां केरला में कुश्ती का कोई नामो निशान भी अगर आप देखोगे कि नेशनल में पार्टिसिपेशन होता है, किसी लड़की का, किसी लड़के का मेडल आता है, तो उनके लिए एक ओलंपिक के मेडल के सम्मान एक जीत होती है। अगर वो लड़कियां भी अगर शोषण का शिकार हुई, तो आप देख लीजिए कि ये लोग कहां तक फैले हुए हैं। कल को अगर कुछ भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे पास, मैं बता रही हूं कि एक खिलाड़ी के लिए एक दिन लाख दिन के बराबर होता है। हमारा ओलंपिक्स भी आ रहा है, सभी जितने भी खिलाड़ी हैं, हम सब यहां पे ओलंपिक्स में खेलने वाले खिलाड़ी हैं, हमने कोई गेम छोड़ के आए नहीं है। हम अपनी पहलवानी को छोड़ के आए हैं, अपनी रोजी रोटी को छोड़ के आए हैं, अपने परिवार को खतरे में छोड़ के इधर बैठे हैं। हम कल FIR भी लॉन्च करवाएंगे, एक नहीं कम से कम 5-6 लड़कियां जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी, और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो दिन जब आएगा, इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा, मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ। और हिंदुस्तान में ये होगा, मैं बड़े शर्म के साथ मैं बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा, तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मीटिंग में आश्वासन ही दिया गया है, बस कोई ऐसा मतलब ठोस हमें नहीं बताया गया कि क्या फैसला। अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे, बस आश्वासन दिया गया है। लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं है। हम जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं, और जितनी भी स्टेट्स हैं वहां भी सबकी फेडरेशन, मतलब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भंग होनी चाहिए। एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह उनके इंसान फैले हुए हैं। जैसा कि विनेश ने बताया, हर स्टेट में फैले हुए हैं। केरला से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, वो खुद पीड़िता रही हैं, उनके साथ खुद वो खुद शोषण का शिकार रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि हर स्टेट में फैले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरी रेसलिंग